हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर आप ही लोगों में से जो लोग मुझे देखते हैं, रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं, उनके मैंने कुछ सवाल जो वो मुझसे पूछते हैं पर्सनली इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर मेरी कम्युनिटी टैब के अंदर, वो कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं और इस वीडियो के अंदर उनके जवाब दूंगा। जो कि क्वेश्चन मैंने उठाए हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी क्रिएटर्स के लिए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसमें 7-8 जो मैंने कमेंट क्वेश्चंस उठाए हैं आप लोगों के, वो अलग अलग हैं, अलग अलग चीज से रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन गाइज ले लेते हैं। ये मुझे इंस्टाग्राम पे आया है, इसमें मुझसे पूछा गया है कि क्या बायोग्राफी वाले चैनल मोनेटाइज होंगे 2020 में। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बायोग्राफी बनाते हैं हम, वो डेफिनेटली मोनेटाइज होते हैं। बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो मोनेटाइज हैं, बशर्ते आपको वहाँ पे किसी दूसरे की क्लिप्स यूज़ नहीं करनी है, कॉपीराइट फ्री इमेजेस यूज़ करनी है और जो उसका वॉइस ओवर करना है वो भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए, आप डेफिनेटली मोनेटाइज हो जाओगे। इसी के साथ गाइज अगला जो क्वेश्चन है वो आया है हमारे पास पूनम कॉर्नर की तरफ से। बहुत से लोग ऐसे हैं जो थंबनेल भी नहीं लगाते, ओनली YT में वीडियो पोस्ट कर देते हैं, ना कोई टैग ना कोई कुछ, उनका वीडियो वायरल हो जाता है, पॉसिबल नहीं है यूट्यूब को समझना। देखो यूट्यूब को समझना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो पूनम कॉर्नर का ये सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि थंबनेल नहीं लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं लिखते हैं लेकिन फिर भी उनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो टॉपिक सिलेक्शन है, मान लो आपने कोई ऐसा वीडियो बनाया है जो बिल्कुल ट्रेंड करने वाला है, अभी ट्रेंडिंग में जाएगा, लोगों के बीच उसकी सर्चेस बढ़ने वाली हैं या बढ़ चुकी हैं और उसके उस टॉपिक के ऊपर YouTube के ऊपर बहुत कम वीडियोस हैं। तो मान लो किसी ने सर्च किया राजू, अगर राजू YouTube पे नहीं है और एक बंदे ने डाल दिया बिना थंबनेल के बिना टैग्स के, तो वो राजू ऑटोमेटिकली पहले नंबर पे आ जाएगा। समझे मेरी बात? जो वीडियोस बहुत कम बनी होती है ना, जब हम वो वीडियो क्रिएट करते हैं तो और कोई भी उसको सर्च करता है तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली पहले या दूसरे टॉप में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस कीवर्ड को जो बंदा सर्च कर रहा है उससे रिलेटेड और ज्यादा कंपटीशन ही नहीं है यूट्यूब के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो ऊपर आ जाती है। तो हमें कई बार ऐसे चैनल्स पे ऐसी वीडियोस मिलती हैं, ना उन्होंने थंबनेल लगाए होते हैं, ना उन्होंने टैग्स लिखे होते हैं, ना डिस्क्रिप्शन, फिर भी उनके बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, इसकी यही वजह है। दोस्तों अगला सवाल जो आया है वो आया है माई हॉबीज की तरफ से। इन्होंने पूछा है क्या एक साल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? प्लीज़ इसका जवाब ज़रूर दें, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपको मेरे समझाने से समझ आता है बहुत अच्छे से। और जो आपका सवाल है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जो वॉचिंग टाइम है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो आपका चैनल का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको एक साल के बारे में नहीं सोचना है, आपको हमेशा प्रेजेंट डे से लास्ट 365 डेज के बारे में सोचना है। आज चाहे आप किसी भी तारीख में हो, बिल्कुल प्रेजेंट डे से पीछे को 365 दिन के अंदर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे होने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो आपने 2012 के अंदर चैनल बनाया है और आज आप यूज कर रहे हो और अभी आपका थ्रेशोल्ड कंप्लीट होता है लेकिन आप डाउट में हो कि मैंने तो 2012 में बनाया था, तो 8 साल हो गए 9 साल हो गए 10 साल हो गए, मतलब मेरा मोनेटाइज तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, प्रेजेंट डे से लास्ट 365 डेज में रेगुलर आपके जो हैं वो ये थ्रेशोल्ड कंप्लीट हुआ होना चाहिए, आप मोनेटाइज हो जाओगे। अगला जो सवाल है वो आया है पूजा पी की तरफ से। रियली हेल्पफुल वीडियो। एक बात बोलूं, मैं बहुत से लोगों के वीडियो देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 4-5 वर्ड हैं लिखे होते हैं लेकिन उनके चैनल मोनेटाइज हुआ है। हमको 1 ईयर हो गया है, कुछ नहीं हो रहा। देखो डिस्क्रिप्शन लिखो, टैग्स लिखो, टाइटल लिखो, थंबनेल लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। ठीक है, आपको बस एक चीज करनी होती है, थ्रेशहोल्ड कंप्लीट। अगर आपके वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अगर आपका ओरिजिनल ओके कंटेंट है। ठीक है, चाहे आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो चाहे नहीं लिखते हो, चाहे आप टाइटल भी देते हो नहीं देते हो, आपका थ्रेशहोल्ड कंप्लीट होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने टैग्स नहीं लिखे, आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, फिर भी मोनेटाइज है कोई,
तो अगर है तो उसका थ्रेशोल्ड कंप्लीट है, जिस वजह से वो मोनेटाइज है। और दोस्तों अगला जो सवाल है वो आया है आर्यन टेक्निकल की तरफ से। भाई मेरा क्वेश्चन है कि रीयूज कंटेंट क्या होता है। तो रीयूज कंटेंट जो होता है गाइज, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो, डिटेल वीडियो बनाई है, ऊपर आप देख सकते हो जो आई बटन है उसके अंदर उसका लिंक है, जिसको भी रीयूज कंटेंट, क्रिएटिव कॉमन कंटेंट के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, आई बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको ऊपर लिंक आ रहा है, आप डायरेक्टली इसमें डिटेल में सब चीजें सीख सकते हो। अगला सवाल जो गाइज आया हुआ है वो है द हब कंसल्टेंसी की तरफ से। जस्ट अ क्वेश्चन, अगर अभी मैंने टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन चेंज किया तो चलेगा क्या मेरा ओल्ड वीडियो पे? तो उनका कहना यह है कि अगर मैं पुराने वीडियोस की जो टाइटल हैं, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन हैं, उनको दोबारा से अपडेट करता हूँ, वहाँ पे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यूज करता हूँ, तो क्या मेरा वीडियो चलेगा? दोस्तों देखो, अगर आप पुरानी वीडियोस के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को भी छेड़ते हो, बिल्कुल चांस होता है यूट्यूब पे कब कौन सी वीडियो चल जाए कोई पता नहीं होता। पता क्या होता है, अगर आपकी वीडियो व ऑडियंस रिटेंशन जो है वो अच्छा आता है और आप इस तरह से इंप्रूवमेंट की आपने किसी वीडियो के अंदर और उसका 60-70% ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो होगा वीडियो, आगे आगे जाएगा और वायरल भी हो सकता है। ठीक है, YouTube पे कभी किसी चीज का भरोसा नहीं है। जो आपने एक महीना पहले वीडियो डाली है, हो सकता है वो कभी एकदम से वायरल होना शुरू हो जाए। तो हमेशा SEO प्रॉपर करिए, जो कीवर्ड्स टाइटल अपनी पुरानी वीडियोस के भी आप उनको ठीक करिए अगर आपके पास टाइम होता है। अगला जो सवाल गाइस पूछा है वो पूछा है क्यूब्रो ने, और इनका सवाल है कि अपने चैनल से वीडियो डिलीट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो भैया ऐसा है कि जब भी आप अपने वीडियो को अपने चैनल से डिलीट करते हो, प्रॉब्लम तो कोई नहीं होता है, बस ये है कि उसके ना व्यूज़ काउंट होंगे, ना उसकी अर्निंग काउंट होगी, ना उसका वॉच टाइम काउंट होगा, अगर आप अभी अंडर रिव्यू हो या अभी थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर रहे हो। अगर आप मोनेटाइज हो तो आपकी अर्निंग उसकी काट दी जाएगी, वो नहीं जुड़ेगी। ठीक है, व्यूज तो उसके वैसे ही नहीं कटेंगे क्योंकि वो वीडियो वहां से डिलीट हो चुकी है। और अगला जो इसका सवाल है वो आया है हेमराज दत्त पंत की तरफ से। इन्होंने पूछा है, सतीश सर अगर मैं अपना वीडियो किसी वेबसाइट में एम्बेड करता हूँ, जैसे कोई भी वेबसाइट में, अगर लोग वहाँ उस वीडियो को देखें तो क्या वॉच टाइम बढ़ेगा? देखो, वॉच टाइम ज़रूर बढ़ेगा अगर आपके वीडियो को कोई देखता है, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट की तरफ से भी आए, चाहे वो कहीं से आए, ठीक है। लेकिन आपको गूगल मोनेटाइजेशन सिर्फ तभी देगा जब आप जिस वेबसाइट से, जिस नेटवर्क से आपने व्यूज़ गेन किए हैं, अगर वो गूगल की पॉलिसीज़ के अंडर आता है। अगर मान लो वो कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि गूगल के साथ लिंक अप नहीं है, तो मेरे ख्याल से गूगल आपको मोनेटाइजेशन नहीं देता, एडसेंस आपको अप्रूव नहीं करता। लेकिन अगर वो गूगल ऑथराइज्ड वेबसाइट है कोई, तो आपका वॉच टाइम भी काउंट होगा और आपके व्यूज भी काउंट होंगे और आप मोनेटाइज भी होंगे, ठीक है। तो हमेशा जैसे अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यहाँ से जब भी आते हो आप, तो ये सारी जेन्युइन वेबसाइट्स हैं। लेकिन आप कोई ऐसी वेबसाइट से जो कि मतलब अपनी मर्जी से ही चली हुई है, उसका कोई गूगल के साथ कोई लिंकअप ही नहीं है, एडसेंस से कुछ लेना देना ही नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है, कुछ अलग ही चीज़ है, तो वो सही नहीं है, वहाँ पे आपको गूगल जो है वो मोनेटाइजेशन नहीं देता है। तो गाइज आज की वीडियो में यही सवाल थे, और अगर आपको अच्छे लगे हों, आपको समझ आए हों, तो प्लीज़ बहुत मैंने कोशिश की कि सब चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले पाऊँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आज की वीडियो में यही है, और ऐसे ही और अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए ताकि मैं आपको उनको क्लियर करता रहूँ, ठीक है। और जिसने पहली बार मेरे चैनल पर ये वीडियो देखी है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल आइकन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।